ग्वालियर में एमिटी यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत को लेकर छात्र संघों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। एमिटी यूनिवर्सिटी का सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध हो रहा है। दरअसल छात्र बीमार था और बहुत मिन्नतें करने पर भी एमिटी विश्वविद्यालय ने उसे छुट्टी नहीं दी। उचित समय पर इलाज नहीं मिलने से छात्र की मौत हो गई। इस घटना के बाद ग्वालियर में बवाल मचा हुआ है। इस घटना ने ग्वालियर अंचल ही नहीं बल्कि प्रदेश के पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र में होने वाली शोषण की सच्चाई सबके सामने ला दी है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में अमेठी यूनिवर्सिटी की एक छात्र की मौत के बाद हंगामा की सूचना है। कल शाम की ये घटनाक्रम है। जो हंगामा कर रहे छात्र हैं उनका कहना था कि छात्र बीमार था और जो उनका कॉलेज हेड एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा उसको अवकाश नहीं दिया गया। ऐसी शिकायत की सूचना प्राप्त हुई है, पीएम के बाद पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या। बता दें कि सिर्फ एमिटी ही नहीं भोपाल के आरकेडीएफ, राधारमन और ओरिएंटल जैसे कॉलेज में भी छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में बी फार्मा सेकेंड ईयर की छात्रा अनिता शर्मा ने फांसी लगा ली थी। वह अपने साथ हो रही रैगिंग से परेशान थी। अनिता ने कॉलेज के शिक्षक मनीष को रैगिंग वाली बात बताई थी, लेकिन कार्रवाई करने की जगह उसने छात्र को चुप करने की सलाह दी थी। इस संस्थान में छात्रों को प्रताड़ित ही नहीं किया जाता बल्कि एक तरह से लूट होती है। शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता भी छात्रों से छीन ली जाती है। आरकेडीएफ में मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स को स्टाइफंड नहीं दिया जाता है। बात करें दूसरे शिक्षण संस्था की तो ओरिएंटल कॉलेज भी इसमें शामिल है। एडमिशन के लिए पहले छात्रों को लालब दिया जाता है और जब एडमिशन हो जाता है तो फिर प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस संस्थान में एक अजीब रिवाज है, छात्र कॉलेज में बस से आए या ना आए पर उसे बस की फीस देनी ही होगी, जबकि एडमिशन के समय ये नहीं बताया जाता है। इसी तरह यहाँ हॉस्टल में छात्र प्रताड़ित हो रहे हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राधारमन में तो छात्रों को एडमिशन तो दे दिया जाता लेकिन फैकल्टी ही नहीं है। यही कारण है कि इस संस्थान की साख लगातार गिर रही है। इस बढ़ते शोषण और लापरवाह शिक्षा संस्थानों को देखते हुए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का सरकार से बड़ा सवाल है कि क्या घटना होने के बाद जिम्मेदार अफसर जागेंगे और किसी कार्रवाई तक पहुंचेंगे। बने रहिए प्रदेश टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।